प्रकाश अपने परिवार का इकलौता बेटा था और उसकी एक माह पहले शादी हुई थी। प्रकाश के घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। एक माह शादी होने के बाद घर पर कल शाम को एक सामाजिक कार्यक्रम रखा गया। प्रकाश के परिवारजनों ने अपने रिश्तेदारों को बुलाया था। घर पर सामाजिक कार्यक्रम था। प्रकाश की पत्नी गंगा देवी भी एक दिन पहले ही अपने पियर से प्रकाश के साथ अपने ससुराल रोली गांव आई थी, लेकिन कल प्रकाश के परिवार के साथ ऐसी घटना बीती कि उनका पूरा परिवार सदमे में है। जिस प्रकाश का एक माह पहले विवाह हुआ था और महज इकलौता बेटा प्रकाश उस परिवार का जीवन यापन करने वाला था, घर में कमाने वाला प्रकाश ही था, लेकिन कल शाम को प्रकाश एक ट्रैक्टर की चपेट में आ गया और मौत के मुंह में चला गया। बाड़मेर जिले के रामजी की गोल के पास रोली गांव की ओर प्रकाश अपनी बाइक पर सवार होकर घर का घरेलू सामान, राशन का सामान लेकर जा रहा था। इस दौरान सामने से आए ट्रैक्टर की चपेट में प्रकाश की बाइक आ गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोगों ने प्रकाश को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, लेकिन प्रकाश के परिवार में जो खुशियां थी वो मातम में बदल गई है। प्रकाश का पूरा परिवार सदमे में है, क्योंकि प्रकाश उनके परिवार का इकलौता बेटा था, जो पूरे परिवार का जीवन यापन करवाता था, वही कमाने वाला था। और प्रकाश की महज एक महीने पहले ही गंगा से शादी हुई थी और गंगा भी अपने पीहर थी। कल ही प्रकाश के साथ अपने ससुराल आई थी, एक दिन पहले ही ससुराल आई थी, और यहाँ आने के बाद उनके घर में इस प्रकार का हादसा हो गया कि पूरा परिवार सदमे में है। ऐसा बताया जा रहा है कि घटना की जानकारी मिलने के बाद जब लोग उसे अस्पताल ले गए थे, तब तक उसकी सांसें चल रही थी और जैसे ही अस्पताल पहुंचा तो उसने दम तोड़ दिया था और डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया था। वाकई में जो इस प्रकार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, इस प्रकार की इमोशनल कहानियां, इस प्रकार की इमोशनल घटनाएं, जो दर्दनाक घटना है वो सामने आ रही है, ऐसे में हम हमारे जितने भी दर्शक हैं उनसे एक निवेदन करते हैं। हम बार बार आप लोगों से अपील करते हैं कि अपने वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। दुर्घटना से देर भली 5 मिनट की देरी होगी, 10 मिनट की देरी होगी, लेकिन आप अकाल आपकी मौत तो नहीं होगी, किसी की जान तो नहीं जाएगी। इसलिए अपने वाहन सावधानी पूर्वक धीरे चलाएं। गलती किसकी भी रही होगी, चाहे ट्रैक्टर की रही हो या प्रकाश की रही होगी, हालांकि ये तो पुलिस की जांच के बाद ही तय हो पाएगा, लेकिन प्रकाश जो उसके परिवार का एक दिया था वो हमेशा के लिए बुझ गया सिर्फ कुछ जल्दबाजी के लिए। अब जल्दबाजी किसकी थी ये तो पुलिस की जांच के बाद ही तय हो पाएगा, लेकिन सवाल ये है कि अपने वाहन अगर धीमे चलाते, आराम से चलाते, तो इस प्रकार का हादसा नहीं होता।